नमस्कार सचिन योगा में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की मैं वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं जिनके शरीर के अंदर ब्लड इम्प्योर रहता है। देखिए ब्लड इम्प्योर क्या है, ब्लड का दूषित होना, ब्लड का साफ ना होना, ब्लड का खराब होना। देखिए खून आपके शरीर का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो ब्लड है वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर आपकी ऑक्सीजन आपके सेल्स तक और टिश्यूज तक पहुंचाता है और जितने भी न्यूट्रिशन है वो सारी की सारी सप्लाई जो है वो ब्लड करता है। अगर आपकी बॉडी का ब्लड इम्प्योर हो जाता है तो सबसे पहला इफेक्ट आपके लीवर और किडनी के ऊपर आता है। देखिए अगर हम कहें कि लीवर और किडनी ही खून साफ करती है और आपके टॉक्सिक मैटर बॉडी से बाहर निकाल देती है तो ये बिल्कुल सही है। और अगर ब्लड इम्प्योर हो जाए तो सबसे पहला इफेक्ट लीवर और किडनी पर ही आता है। उनके ऊपर जो लोड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आप जो हैं वो धीरे धीरे करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंसते जाते हैं, जिसमें से सबसे खास प्रॉब्लम होती है स्किन डिजीज। ब्लड का इम्प्योर हो जाना स्किन डिजीज को बुलावा देना है। बहुत सारी स्किन डिजीज ऐसी होती हैं जो ब्लड के इम्प्योर होने से बहुत जल्दी आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे फेस के ऊपर बॉडी के ऊपर रेड स्पॉट्स का पड़ जाना, व्हाइट स्पॉट्स का पड़ जाना, खारिश हो जाना, पिंपल्स का हो जाना, छोटे छोटे दाने हो जाना, बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। नसें जो हैं वो आपकी नर्व्स जो हैं वो दिखना शुरू हो जाती हैं, नीले रंग की दिखनी शुरू हो जाती हैं, पैचेस पड़ने शुरू हो जाते हैं, ब्लू कलर के ब्लैक स्पॉट्स, व्हाइट स्पॉट्स, पैचेस जो धीरे धीरे करके बढ़ते जाते हैं। ऐसी बहुत सारी स्किन की डिजीज हैं जो ब्लड इम्प्योरिटी की वजह से बॉडी के अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। अगर ये शरीर के अंदर आनी शुरू हो गई हैं तो सबसे पहले आप ये जाने कि ये क्यों आ रही हैं। आपका खान पान सही नहीं है, आपके हार्मोन अगर इनबैलेंस हैं वो डिस्टर्ब रहते हैं तब ये प्रॉब्लम्स आती हैं, टेंशन डिप्रेशन स्ट्रेस में अगर रहते हैं तब स्किन डिजीज सबसे ज्यादा आती है। अगर आपका डेली रूटीन सही नहीं है, आप प्रॉपर ना तो उठ पाते हैं ना सो पाते हैं, आराम नहीं कर पाते हैं, तब ये प्रॉब्लम आती है। अगर आप बहुत सारा जंक फूड स्ट्रीट फूड्स खाते हैं जिसकी वजह से आपका ब्लड इम्प्योर हो जाता है तब ये स्किन डिजीज आती है। तो सबसे पहले आप अपना खान पान ठीक करिए, उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड इम्प्योर हो गया है उसको प्योर करने के लिए क्या करना है, आपने आप नीम के पत्तों का रस निकाल लीजिए। एक चम्मच नीम के पत्तों का रस, उसके अंदर आधा चम्मच नींबू का रस और आधा चम्मच शहद, इन तीनों को मिक्स करके एक गिलास गर्म पानी के साथ आप पी लें। पीने के बाद ऊपर से गर्म पानी पी लीजिए तो पूरी बॉडी के अंदर वो चला जाएगा अच्छे से। आप कोसा गर्म पानी पीजिए, ये आपके ब्लड को साफ करने का सबसे अच्छा मेथड है। देखिए 10 साल से ऊपर जो है वो पूरी ये क्वांटिटी यूज करेंगे और 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं आप आधी क्वांटिटी दे सकते हो, आधा चम्मच नीम का रस और 1/4 नींबू और 1/4 शहद, ये 10 साल से छोटे बच्चों को आप दे सकते हैं। इसके साथ आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिएंगे क्योंकि ये थोड़ा खुश्क होता है, ड्राई होता है। आप जब इसका यूज करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही हफ्तों में आपको फायदा दिखना शुरू हो गया है। ये आपके ब्लड को डिटॉक्स करता है, टॉक्सिक बाहर निकाल देता है और ब्लड प्यूरिफाई बिल्कुल अच्छे से कर देता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो अपने ब्लड साफ ना होने की वजह से बहुत सारे मेडिसिन बहुत सारे सिरप्स खा लेते हैं जिनकी वजह से साइड इफेक्ट तो होते ही हैं और ब्लड प्यूरिफाई भी नहीं हो पाता, उनको फायदा मिल सके। मेरा अभियान यही है, प्रयास यही है कि आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।